जल्दी कर बेटा, 2 मिनट रह गए। क्या हो गया? 2 मिनट, 20 मिनट रहते हैं, आगे जीरो लगाना भूल गए क्या? सो गाइस, आज मेहुल के लंच बॉक्स में जा रहा है सैंडविच। सबसे पहले मैंने कैरेट कुकुम्बर को अच्छे से क्रश कर लिया, उसके अंदर डाली है मेयोनीज एंड थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके लगा देंगे ब्रेड पर। ब्रेड को कर देंगे बीच में से कट, और ये हमारे हो गए मेयोनीज वाले जो है सैंडविच रेडी। और ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी लाइट वेट भी होते हैं, तो ये गए इसके लंच बॉक्स में। एंड फ्रूट बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं ग्रेप्स, जो कि मनु के फेवरेट है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज है 46 व्लॉग एंड आज है 16 फेब, और मेहुल रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। मैंने इसका लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। हाँ, ब्रेड का दिख तो रहा है बेटा, और अभी इसके लिए दूध गर्म हो रहा है, और आज मैंने जाना है मेरी किटी पार्टी में। सो तो फटाफट से स्पीड पकड़ के शताब्दी एक्सप्रेस बन गया, मुझे घर के काम खत्म करने हैं और उसके बाद मैं जाऊँगी किटी पार्टी में। मम्मी, यस मम्मा, हिल गया, चल जा कॉम कर जल्दी से, क्रीम लगा ले फेस पे, कोई फेस वॉश लगा ले, कर ली कॉम जल्दी। चुके हैं और मैं किटी के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मैंने सारा मेकअप शेकअप कर लिया है, ड्रेस मैंने पहन लिया, तो फटाफट से जाती हूँ क्योंकि सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, तो मैं फटाफट स्पीड बढ़ाती हूँ और जाती हूँ। सो गाइस, तो मुझे लगा था कि मैं शायद लेट हो चुकी हूँ, लेकिन मैं जल्दी आ गई। ये तो सफाई हो रही है यहाँ पे, हमारा दूसरे वाला हो रहा है, तो कितनी है यहाँ, तो सोचा शायद मैं लेट हो, वो जल्दी आ गई हूँ। हाँ, जो जल्दी आता है उसकी नहीं निकलती, लेट आओगे बट ऑन द टाइम आओगे तभी निकलेगी। अच्छा, न्यू मेमोरी है क्या? पिक्चर्स कर लो क्लिक अब हम। देखो फिर वही निकल रहे हैं, वही बात है। और 4545 मेरा 5 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
लास्ट टाइम बनाया था। अरे गाइस तो किट्टी हमारी खत्म हो चुकी है और हम जा रहे हैं घर को। ये सुंदर सुंदर भाभी है मेरे पीछे, मुझे लगा था मैं सुंदर बन के जाऊंगी लेकिन ये मेरे से ज्यादा सुंदर है। सब लोग चले गए और हम लोग बचे हुए सिर्फ क्योंकि इसलिए कि हमें पिक्चर्स क्लिक करवानी है। चुकी हूँ घर और 2 बज चुके हैं, मतलब टाइम आज ज्यादा ही हो गया और अभी मुझे बनानी है सब्जी। वैसे तो मम्मी सब्जी बना लेते हैं लेकिन आज मैं मना करके गई कि मम्मी आप मत बनाना, मैं बना लूंगी, आपके टाइम होता है। क्योंकि मम्मी पापा के लिए अलग से बना रहे थे क्योंकि पापा का पेट खराब है, तो फिर मैंने कहा डबल डबल खेचर करेंगे, उनका फास्ट भी है, तो मैंने कहा चलो अपने लिए मैं खुद ही बना लूँगी, आप रेस्ट करना। तो मम्मी मेरे को सब्जी बनानी है और फिर मन्नू का टाइम भी हो रहा है तो मन्नू को भी लेके आना है। वो बोलता है हमेशा कि आप लेने आया करो, एक्टिवा मैंने बाहर ही रख दिया ताकि उसको लेने जाऊँ, फटाफट से सब्जी बनाती हूँ फिर उसको लेके आती हूँ, उसका टाइमिंग भी हो रहा है। बस आ चुकी है मेहुल की, वो खुश हो जाएगा कि मैं एक्टिवा पे आऊँगा। कैट बोरी बन के आता तू हमेशा। आज एक
एक्टिवा पे कैसे? हाँ एक्टिवा पे कैसे? ऐसे एक्टिवा बैठ के और क्या खड़ी हो गए मोटू बैठ। सो गाइस तो मैं घर आ चुकी हूँ और मेहुल कर गया भूख जोर से भूख। देखो रोटी भी कैसे फूल की है, कहते हैं ना जब रोटी फूले तो भूख लगी होती है, तो मेहुल को भूख लगी है क्योंकि मैंने इसको सुबह दिए थे दो सैंडविच। मैंने इसे बोला था तीन ले जाए, एक दोस्तों के साथ शेयर करता है तो कम रह जाएंगे। कहते नहीं कम नहीं रहेंगे, मैं खा लूंगा, मेरे को डाइटिंग करनी है। और अब कह रहा है मुझे तीन रोटी चाहिए, मुझे तीन रोटी बनाकर दो भूख लगी है। ले जाओ मैंने रोटी आज बेटा। सो गाइस तो शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे है चाय का टाइम। वैसे तो मैं 2-3 दिन से चाय छोड़ दी थी लेकिन आज फिर शुरू कर लिया क्योंकि किट्टी में खा लिया ना तो भूख लगी नहीं थी। फिर मैं अभी से जो सब्जी है मेरी फेवरेट है तो उसके साथ चाय पी रही हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं और मैंने सोचा था कि दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाऊँगी तो मैंने इसलिए ना ड्रेस चेंज ही नहीं किया कि मैं तैयार व्यार होके वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है ना, आइज़ भी देखो रेड हो रखी है, नींद आ रही है ऐसे जिससे होता है ना, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है पता नहीं क्यों। और मेरा बस दिल कर रहा है सो जाऊँ। अभी मैं भूल गई थी फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना तो यहाँ फेसबुक पर वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। और अभी मैं सोचूँ कि चलो चेंज ही कर लेती हूँ, कल देखूँगी, आज छोड़ो स्किप करते हैं आज, तो फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। और थैंक गॉड कि रात के लिए सब्जी नहीं बनानी क्योंकि आज सुबह ही 2 सब्जियाँ बन चुकी हैं। पापा ने अपने लिए अलग से बनाई, मैंने अपने लिए अलग से बनाई, मम्मी का फास्ट है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ रात को कुछ नहीं बनाना है। तो मेरे को लग रहा है कि मैं अब थोड़ी देर सो जाऊँ, बट शाम है मम्मी डांटेगी कि संध्या का टाइम है और तू सो गई। तो मैं अपना ये थोबड़ा वोबड़ा धो लेती हूँ जिस पर मैंने लिपा पिथी की हुई है तो मैं रिलैक्स होकर बैठती हूँ। हो गया हो गया, चलो रखो इसको। छुट्टी लेना, बड़ी छुट्टी, बड़ी पढ़ाई करता है तो छुट्टी, सारा दिन टीवी देखता था, अब नहीं होता कुछ। ये मतलब कि अब घर को या आपने ट्यूशन बना रखा है तो मैं छुट्टी तो कहूंगा ही। ओके खुशी होते बच्चे। हाँ वो तो वैसे ही खुश रहता। मेहुल ये लो दूध, जल्द से दूध फिनिश कर और फिर वो बनाएंगे पैनकेक बनाना ना। तूने तो खाना नहीं है, तू तो डाइटिंग पे है, तुझे क्यों खुशी हो रही है? तो गाइस अब मामा बना रही है यहाँ पे पैनकेक और थोड़े बहुत पैनकेक बन भी चुके हैं। तो यार जल गए पैनकेक। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो सीख रही हूँ। ये आप दूसरी बार बना रहे हो, पिछली बार से तो बैटर ही बने हैं। अगर आप मम्मी का चैनल देखते हो तो पहले देखते हो तो आपको पता होगा मम्मी ने एक बार पहले ही बनाया था और पिछली बार तो बिल्कुल जली हुई रोटी बन गई थी। कम से कम इस बार पैनकेक तो बन ही रहे हैं। तो गाइस तो आज हमने बनाया है ये पैनकेक, पता है कितने का है? सिर्फ 7 रुपए का, घर पे बना है और इतनी जल्दी बन गया ना। पिछली बार तो सड़ी हुई रोटी बन गई थी लेकिन इस बार बनाया अच्छा, और थोड़े से खराब भी हो चुके हैं, 2-3 खराब हो गए। ऐसे नहीं दिखाते ब्लॉग में, बेइज्जती हो जाती है यार लोग है। लेकिन ये देखो कितना अच्छा बन गया, ये अच्छा बना है। 7 रुपए में क्या ही मिलेगा यार, थोड़ा सा ये हो जाता है कि स्वीट्स में कुछ खाने का। तो इसके ऊपर हमने डाल दिया टूटी फ्रूटी, इसके ऊपर हमने डाल दिया पीसे हुए काजू को पीस के ना इसके अंदर डाल दिया और उसके ऊपर डाल दिया कैरेमल सॉस। तो अभी जब खाना खा लेंगे ना उसके बाद हम ये टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं हस्बैंड का कैसा टेस्ट है, मतलब हस्बैंड को कैसा लगता है। हाथ में लेके खाओ। केक है, मैंने केक बनाया इतनी मेहनत करके। गरम गरम ही आता है गरम ठंडा करके लाओ, मैं कह रहा हूँ पहले ठंडा कर लो, गरम खिला दिया पापा को। भूल गई मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में। क्या है, चलो ठंडा कर। सो गाइस तो मैंने इसे ठंडा कर लिया है, अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। कैसा बना है? सही है, ओके। 7 रुपए में क्या बढ़ा है, आधा कप दूध गया। केक मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट बना है, इस बार सही बन गया हमारा, है ना बनी? इस बार हमारा केक सही बना है। तो ये एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप अगर अच्छे से बन जाए तो ये बढ़िया है, अगर मेरी तरह पिछली बार से बनाना ना आए तो फिर
अच्छा नहीं है, वैसे टेस्टी है। साढ़े नौ बज चुके हैं और डिनर कर लिया है हमने, पापा ने नहीं किया अभी, पापा कह रहे हैं मेरा मन नहीं है अभी, तुम कर लो। तो मैंने पापा के लिए भी नहीं बनाया, पापा के लिए बाद में बना दूंगी जब खाएंगे, तो दो ही फुलके बनाने हैं, ताजे ही बना दूंगी। और अभी मैं बर्तन बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे जूठे और केक भी बनाया, और फिर बहुत ज़्यादा ऐसे तामझाम बिगड़ जाता है ना। बट इस बार मेरा केक अच्छा बन गया था, पिछली बार बहुत बहुत ज़्यादा ऐसी जली हुई रोटी बन गई थी, इस बार मैंने अच्छे से उसको डेकोरेट भी किया और अच्छे से बना, टेस्ट भी अच्छा बना था, ठंडा करके खाया। सो तो सबको अच्छा भी लगा, पापा से भी टेस्ट कराया, मम्मी का फास्ता मम्मी रह गए, कोई बात नहीं अगली बार फिर से बना दूंगी। तो अभी मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, आज का व्लॉग मैं यहीं खत्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, और आज का दिन इंटरेस्टिंग था क्योंकि किटी पार्टी थी, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो जाता है तो उस दिन तो रिफ्रेशिंग हो जाता पूरा मंथ का। सो तो आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं, प्लीज़ अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।